प्रो निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी किस तरीके से भरेंगे उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, तो उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे। आप सभी को हम बता दें, मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा के फॉर्म भरना प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 रहेगी। फॉर्म भरना आज से यानी 26 जून 2023 से प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपको यदि इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो तो ये PDF में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहीं फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ ग्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको esb.mponline.gov.in इस साइट पे आना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक कर दीजिए। जैसे इस साइट पे आएंगे तो साइट पे आपके सबसे पहले आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस ऑप्शन पे आना है। इस पे आने के बाद आपको एक प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म बनाना, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे की पूरी प्रोसेस करना है, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म भरवाना बनाना है। इसकी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म किस तरीके से बनाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से esb.mponline की साइट पे आना है। वापस आपको एक प्रोफाइल आईडी मिल जाएगी, उस प्रोफाइल आईडी को आवेदन करें ऑप्शन में हम ये ग्रीन इस पे टिक करेंगे। इसके बाद हम घोषणा पत्र में क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो प्रोफाइल आईडी मिलेगी उस प्रोफाइल आईडी को आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम प्रोफाइल आईडी अपनी डाल देते हैं। इसके बाद हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और इसके बाद हम कैप्चा क्लिक करके सत्यापित कर आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पहुंचेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिखा हुआ क्या आप मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी हैं, तो इसको हमने नहीं किया हुआ, हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको सामान्य वर्ग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हमने यहाँ अनारक्षित वर्ग सिलेक्ट करके रखा। आप किसी भी जाति वर्ण से हों परंतु यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अनारक्षित वर्ग और मूल निवासी यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। ये पूरी डिटेल हमारी प्रोफाइल से आएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पर पहुँचेंगे। जैसे ही हम अगले पेज पर पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं 34 नंबर से लेकर 43 वाले नंबर तक के ऑप्शन ऑटोमेटिक ब्लॉक हैं। आपको इनमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक ब्लॉक रहेंगे। इसके बाद आपको जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हमें आरक्षक GD के लिए फॉर्म भरना है क्योंकि हम 10वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, तो हम आरक्षक GD में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी के लिए ये ऑप्शन पूरे ब्लॉक रहेंगे। और इसके बाद आपको अपने हिसाब से ऑप्शन टिक करना। ऊपर वाला ऑप्शन महिलाओं के लिए नहीं है इसलिए ऑटोमेटिक ब्लॉक है। वहीं आप यदि पुरुष वर्ग से रहेंगे तो आप इस पर भी चेक मार्क्स पे क्लिक कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन से पुरुष उम्मीदवार के लिए और हम एक महिला का फॉर्म भर रहे हैं इसीलिए ऑटोमेटिक ब्लॉक है। इसके बाद हम आरक्षक समान ड्यूटी इस पर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। इसके बाद हमें जिस जिले में पहले पोस्टिंग चाहिए हम उस पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार क्लिक कर देंगे। हम पूरे जिले सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप पूरे ही जिले सेलेक्ट करिएगा। एक दो जिले सेलेक्ट करके बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, पूरे जिले सेलेक्ट करके ही फॉर्म भरें। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। आप भले मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हो, आपको रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपको रोजगार पंजीयन भी बनाना पड़ेगा। उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन को हमें हाँ करना पड़ेगा, तो हम इसको हाँ कर दें। इसके बाद हमको 49वें नंबर के ऑप्शन को भी हाँ, 50वें नंबर के ऑप्शन को भी हाँ करना अनिवार्य है। इसके बाद हमारा जो परीक्षा शहर, आप जिन जिलों में परीक्षा देने जा सकते हैं वो 4 जिले आप प्राथमिकता क्रम के अनुसार सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम 4 जिले सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम घोषणा पत्र में क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। ये 46वां नंबर हमारा छूट गया है।
तो यदि आप 10वीं तक पढ़े लिखे हैं तो 10वीं बेस पे फॉर्म भरना, तो हम यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं। ये हमने 10वीं का रोल नंबर डाल दिया, इसके बाद हम 10वीं का पासिंग ईयर डाल देंगे। इसके बाद हमारी बोर्ड मध्य प्रदेश के बाहर की है तो हम अपना जो भी बोर्ड है डाल देंगे। तो चलिए जैसे हम महाराष्ट्र बोर्ड डाल देते हैं, अगर आप 12वीं की डिटेल भी डालना चाहें और 12वीं पास है तो आप 12वीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 10वीं तक हैं तो हम 10वीं की डिटेल डाल के इसके बाद हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे तो हमको ये एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को आप भुगतान करने से पूर्व नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप पेमेंट करते समय किसी वजह से इस एप्लीकेशन नंबर को आप भूल गए और आपकी पेमेंट फेल हो गई तो आपको ये फॉर्म पुनः शुरू से भरना पड़ सकता है। इसीलिए फॉर्म की भुगतान करने से पूर्व आप उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम प्रिंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद भुगतान करने के लिए हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके इस फॉर्म का भुगतान कर देंगे। हम आप सभी को सलाह देंगे कि भुगतान आप MP ऑनलाइन कियोस्क केंद्र से ही करवाइए, और अगर आपके राज्य में कोई भी MP ऑनलाइन का कियोस्क केंद्र नहीं है, आप मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, आपके पास कियोस्क केंद्र नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, हमारे द्वारा आपका इस फॉर्म का भुगतान कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपका इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर दिया जाएगा। तो आप चूँकि UPI से पेमेंट करने पे पेमेंट फेल होने के बहुत अधिक चांस रहते, वहीं आप क्यों स्कैन से पेमेंट करवाते हैं तो उसमें पेमेंट फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप सभी अपना भुगतान क्यों स्कैन से ही करवाइए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अंत में हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर क्लिक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।